नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ द मैट्रिक्स ए, जो ए मैट्रिक्स है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स रूट निकालना है। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं हम इस मैट्रिक्स ए के कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स निकाल लेते हैं। ठीक है, द कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स ऑफ ए ये कितने के बराबर होगा, ए माइनस लैम्डा आई के बराबर होगा। आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ए मैट्रिक्स क्या है, 1 2 3 0 -4 2 0 0 7 है। माइनस लैम्डा आई मतलब क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। लैम्डा अगर मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ यहाँ और यहाँ होगा। ठीक है, बस क्या कर लो, सब्ट्रैक्ट कर लो, तो कितना मिलेगा, 1 माइनस लैम्डा और क्या, 2 3 0 और यहाँ पे -4 -लैम्डा और फिर क्या, 2 मिलेगा, फिर क्या, 0 0 7 -लैम्डा मिलेगा। इतना हो गया, ये क्या मिलेगा, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स मिल गया। आप क्या करते हैं, इस ए मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल निकालते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल ऑफ ए विल बी, ये कितने के बराबर हुआ, डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई के बराबर हुआ। ठीक है, तो जहाँ पे मैट्रिक्स है वहाँ पे डिटरमिनेंट यूज कर लो, करने का मतलब 1 माइनस लेमडा, 2 3 0, -4 -लेमडा, 2 0 0 7 -लेमडा। ठीक है, ये क्या मिल गया हमको, कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल मिल गया ए मैट्रिक्स का। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो देखो थर्ड रो के अलॉन्ग 2 0 है, 1 नॉन जीरो है, तो तीसरे के अलॉन्ग एक्सपेंड कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो ये 0 के साथ ओपन होते हैं, तो ये क्या होगा, प्लस के साथ ओपन में होगा, तो 7 -लेमडा बाहर कर लिया। और फिर क्या, अंदर क्या होगा, ये ख़त्म, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में, ये तो 0 ही होने वाला है, मतलब क्या, सिंपली यही बचेगा, -4 -लेमडा के साथ मल्टीप्लाई में 1 -लेमडा। ठीक है, यही मिल गया। तो अब क्या करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल में पॉलीनोमियल मिल चुका है ए मैट्रिक्स का, तो आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल लेते हैं। ठीक है, ऊपर का नोट करो। ओके, एक सेकेंड, चलो कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालना है। ठीक है, तो देयरफॉर द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए मैट्रिक्स विल बी डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0, क्योंकि हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई आ चुका है। इतना तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कितना आएगा, सिंपली 7 -लैम्डा -4 -लैम्डा और 1 -लैम्डा इक्वल टू 0। ठीक है, यही चीज है ना जो हमने निकाल के रखा हुआ है, बस क्या कर लिया उसको, 0 के बराबर रख लिया, नीचे का नोट कर लो। चलो हो गया, तो देखो ये क्या मिल गया, ये जो हमको दिख रहा है यही हो गया हमारे पास इस ए मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब इसी को फैक्टराइज कर लो या सॉल्व कर लो, जो भी रिजल्ट आपको मिलेंगे, लैम्डा के जो भी वैल्यू मिलेंगे, वही क्या होंगे, इस ए मैट्रिक्स के कैरेक्टरिस्टिक रूट्स होंगे। ठीक है, तो देखो यार सभी फैक्टराइज फैक्टर के अंदर है, तो सभी क्या है, 0 के बराबर, मतलब क्या, 7 -लैम्डा इक्वल टू 0, -4 -लैम्डा इक्वल टू 0, 1 -लैम्डा इक्वल टू 0, मतलब क्या मिलेगा, लैम्डा का वैल्यू 7 -4 और 1 मिलेगा। ठीक है, 7 -4 1 मिल गया, तो यही क्या मिल गया हमको, इस ए मैट्रिक्स के कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स मिल गए। ठीक है,